चलिए लुक स्मार्ट चैनल पहुंचे हम। आज जो विश्व एड्स दिवस मनाया जा रहा है, उस अवसर पर सबकी निगाहें, सबका रुझान है इस एड्स पर। सबसे बड़ा जो तो बिहार के सारण छपरा में खड़े हम सीता लाई, सब लोग देख रहा हमको, आप सभी को। ये जो आज सबसे अधिक दुखद बात यह है कि बिहार के कई जिले जो रिमोट एरियाज है, रिमोट एरियाज के बहुत लोग बाहर कमाने जाते हैं और बाहर जा करके कुछ गलतियां करके बिहार में आते हैं और इस तरह के वो एड्स बीमारी वायरस फैलाते हैं। नंबर वन। सेकंड सूचना मिली है कि बहुत से गलत इंजेक्शन जो डॉक्टर्स या कंपाउंडर या लोकल डॉक्टर दे देते हैं, कई तरह की जो गलतियाँ कर देते हैं उससे भी इन्फेक्शन होने, संक्रमित होने के चांसेस रहता है। थर्ड, कि बहुत से ऐसी माताएं हैं, माता जी हैं और उनके जो गर्भाशय में बच्चा रहता है, बच्चा जो पैदा होता है तो उससे फिर जो बच्चा इशू होता है तो उसमें 1% लगभग उसमें भी वायरस जाता है। तीसरा। चौथा है कि कई तरह की मेडिसिन जो ओवर एज के जो आदमी होते हैं और अपने सेक्सुअली सेटिस्फाइड के लिए अगर गलत दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं या उस गलत दवाइयों में से ऐसी दवाइयाँ हैं जिसमें परसेंटेज ज़्यादा होता है, लोग ले लेते हैं और इस वायरस के शिकार हो जाते हैं। इस तरह देखा जाए तो बिहार में अभी कैलकुलेशन जो किया गया हमारे लेवल थ्रू 76,000 समथिंग लोग पूरे जिले में हैं। कोई चुपचाप इलाज कराता है, कोई हॉस्पिटल में आता है, कोई कहीं जाता है, लेकिन ये ऐसी बीमारी है सिर्फ डॉक्टर ही ठीक कर सकते हैं और डॉक्टर साहब बगल में खड़े हैं एक ही प्रॉपर वे में। हम इसीलिए हम आए हैं आज बीच विश्व जो आज एड्स जो दिवस के अवसर पर हम आपका शुभकामना स्वागत करते हैं सभी का। चल कुछ सवाल होगा, लोग के जनहित में सभी लाइफ पर है। अच्छा, क्या व्यवस्था किया जा रहा है आपके इस यहाँ पर? हमारे यहाँ इस सदर अस्पताल में नाको द्वारा संचालित और बिहार राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा संचालित यहाँ चार तरह की सुविधाएँ हैं। पहला ICTC सेंटर है जहाँ पर सभी लोगों का HIV टेस्ट किया जाता है, कोई भी करवा सकता है। दूसरा सेंटर हमारे यहाँ PPTCT है, प्रिवेंशन फॉर पैरेंट चाइल्ड ट्रांसमिशन। यहाँ पे गर्भवती माताओं का HIV का जांच होता है और उनके जांच का पता किया जाता है। तीसरा सेंटर है STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, हम उसी के काउंसलर हैं, अभय कुमार दास मेरा नाम हुआ। और यहाँ पे जो भी माताएं या जो भी मेल फीमेल कोई भी जो भी STI से प्रॉब्लम लेके अपने आते हैं अस्पताल में, वहाँ से वो हमारे क्लिनिक में भेजे जाते हैं। यहाँ पे हमारे तो यहाँ पे 7 तरह की दवाएं भी हैं STI की, वो उन्हें दी जाती है। फिर रहा हमारे यहाँ एक सेंटर है ARG सेंटर, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जहाँ पे HIV पॉजिटिव पेशेंट को हम लोग रेफर करते हैं, वहाँ से उन्हें दवा मिलती है और ये सारी सुविधाएँ वहाँ हैं। और उसके साथ साथ वहाँ पे कुछ शताब्दी योजना तक का पैसा भी अब उन पेशेंट लोगों को लगभग 1500 रुपया पेशेंट को भी और जो उनके अटेंडेंट हैं, मतलब जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, बच्चे हैं 18 साल से कम, उनको भी पैसे मिलते हैं। इस पर थोड़ा सा ART के बारे में हमारे ART के डॉक्टर साहब बता पाएंगे, लेकिन ये 4 सुविधाएँ नाको द्वारा और बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा यहाँ उपलब्ध है। अच्छा, ये तो छपरा के, बाकी रिमोट एरिया रिमोट एरिया में एक्चुअली क्या है कि अभी पूरे बिहार में 12 डिस्ट्रिक्ट में रूट लेवल पर यानी PHC लेवल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे भी हमारा ICTC सेंटर चलता है, लेकिन बाकी सब जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर FICTC चल रहा है, यानी फैसिलिटेड बेस्ड ICTC। वहाँ क्या होता है, वहाँ सिर्फ स्क्रीनिंग की व्यवस्था है, वहाँ हमारे टोटल बिहार के टोटल PHC में HIV स्क्रीनिंग की व्यवस्था है। वहाँ पर आपका HIV टेस्ट हो जाएगा, यदि आप वहाँ पॉजिटिव पाए जाते हैं तो कन्फर्मेटरी लैब नियर टू, जैसे छपरा में कन्फर्मेटरी लैब सिर्फ एक ही है जो कि सदर अस्पताल में है, वहाँ हम लोग के पास आता है। और तब जैसे मुजफ्फरपुर मोतिहारी, वहाँ पर हर एक PHC में भी कन्फर्मेटरी लैब है, वहाँ पर FICTC कम चलता है, वहाँ ICTC ही चलता है। तो कन्फर्मेटरी लैब से लैब कन्फर्म कर देता है कि ये पॉजिटिव है तो फिर हम लोग उनको ART सेंटर भेज देते हैं, मेरा हायर सेंटर है, वहाँ से उनको दवा मिल जाती है। ART सेंटर लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट में अभी चल रहा है, कुछ ही डिस्ट्रिक्ट में छोटा मोटा शहर जैसे शिवहर वगैरह में नहीं, यहाँ अपने सारण प्रमंडल के 3 डिस्ट्रिक्ट में ART सेंटर चल रहे हैं, छपरा सिवान गोपालगंज, तीनों जगह टेस्ट की व्यवस्था है। और एक हथुआ है, हथुआ में भी हमारा ICTC सेंटर है, वहाँ भी कन्फर्मेटरी लैब है, बाकी सब जगह मेरा स्क्रीनिंग लैब है, वहाँ से स्क्रीन होके हमारे यहाँ पे सेंटर। आपने जो इतना बताया
क्या ये तेजस्वी यादव निकालने की वजह से हुआ कि पहले स्थाई है? नहीं नहीं, ये व्यवस्था तो हम तो इसमें 2007 से काम करते हैं, 2007 से पहले और भी हमारे सीनियर काउंसलर लोग हैं, वो लोग 2004 से 2002 से यहाँ काफ़ी अच्छे से रन कर रहा है। 2012 में यहाँ पे एआरटी सेंटर खुल गया था, तेजस्वी यादव तो उस समय थे भी नहीं, एआरटी सेंटर यहाँ 2012 में भी था, और तेजस्वी यादव के आने से हमारे नाकू पे अभी कोई खास उनका कुछ इफेक्ट नहीं, और सब अस्पताल में इफेक्ट दिखा है रंग रोगन और कार्यों पे, लेकिन हमारे एड्स पे अभी कोई खास उनका कोई ये असर नहीं दिखा है, हो सकता है आगे कुछ। चलिए हमको बताइए, केवल हमारे चैनल माध्यम से, इसमें प्रिकॉशनरी क्या लेना चाहिए? देखिए एचआईवी जो होता है वो चार कारण से होता है, पहला असुरक्षित यौन संबंध से, दूसरा असुरक्षित ब्लड इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ाने से, तीसरा मदर टू चाइल्ड, यदि कोई माँ गर्भवती है जो एचआईवी से पहले से पीड़ित है तो उस बच्चे को हो सकता है, चौथा नीडल और सिरिंज, इन्फेक्टेड नीडल और सिरिंज से। इन्हीं चारों का हम यदि सही से ये करते हैं तो बाकी सब छूने से, खाने से, साथ बैठने से, साथ में सोने से एचआईवी नहीं होता है। अच्छा, वर्तमान समय में फिगर जो अभी आज के तारीख में है, तो पहले के जो फिगर में बढ़ोतरी है कि नीचे है? एक्चुअली क्या है कि अभी तो हमारे सारण डिस्ट्रिक्ट में बढ़ोतरी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारण डिस्ट्रिक्ट से माइग्रेशन काफ़ी अधिक है, बाहर लोग कमाने जाते हैं, यहाँ आते हैं, अपने परिवार को दे देते हैं, और परिवार देखे कोई माँ कोई औरत प्रेगनेंट हुई तो ये है, लेकिन क्या हुआ है कि मतलब धीरे धीरे नाकू काफ़ी काम कर रही है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में कम हो रहा है, लेकिन सारण में अभी थोड़ा सा। चलिए जनहित में जागृति पर आप एक संवाद दीजिए, सब लोग आवाज़ सुने, क्या चाहते हैं आप इस संस्था के तरफ से, अपने तरफ से पूरे विजय भारतवर्षियों को क्या कहना चाहते हैं, संदेश दें? संदेश यही कहना चाहते हैं कि सर सबसे पहले जरूरी है कि जितनी भी शादियाँ हो रही हैं हमारे भारत में और खासकर हमारे बिहार में, सबसे पहले शादी से पहले एचआईवी टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं अपने सेंटर पर बैठ के 10 दिन के शादीशुदा, 1 महीने के, 2 महीने के, 6 महीने के, साल भर के शादीशुदा पेयर एचआईवी पॉजिटिव होके आ रहे हैं, जो कि काफ़ी दुखद घटना है हमारे बिहार के लिए, और हम चाहेंगे कि हमारे देश के सभी जनता और खासकर हमारे जो भी वरिष्ठ माता पिता और गार्जियन हैं वो अपने बच्चों का कुंडली ना मिला के एचआईवी स्टेटस की जानकारी लेके ही शादी करें, तो आज हमारा भारत एड्स मुक्त हो सकता है। ये सारी बच्चियां हमारे यहाँ ANM स्कूल चलता है, उसकी स्टूडेंट्स हैं, जिन लोग को हम लोग टाइम टू टाइम ये देते रहते हैं। पूछ सकते हैं किसी सवाल आते हैं तो पूछे? हाँ हाँ पूछ सकते हैं, हमारी बच्चियां हैं, पूछ सकती हैं। उम्मीद है आपको अब तक आपने क्या ट्रेनिंग लिया? अभी तो क्लास चलती है और क्लिनिकल ड्यूटी चलती है, और अभी तो हम लोग का सेकंड ईयर है तो अभी क्लास। अच्छा ओके, अभी इन्होंने जो बताया आपने समझा? हाँ। आप मेरे तरफ से, इनके तरफ से अपने बैचमेट को सब बात बताएंगी आप? चलिए थैंक यू। चलिए वापस होते हैं अपने स्टूडियो की तरफ। बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप तुम्हारे पुराने परिचित लड़के जैसे हैं, लेकिन हमको नहीं पता था कि आप यहीं पर हैं। चलिए सभी को एक साथ जय हिंद करते हुए फिर मिलेंगे हम सबके, जय हिंद।